गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस। ऑलरेडी मैं आपके सेशंस ले चुका हूं जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करी है। आज हमारा थर्ड सेशन है, दो सेशंस ऑलरेडी करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 11 to 20। मैंने आपको बोला डेली हम 10 क्वेश्चंस करा करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो इन सेशंस को मिस मत करा करो। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। आपको ये पता है कि जैसे 12th ऑफ दिसंबर मैंने 10 क्वेश्चंस कराए थे पेपर 2 CDS 2022, 13th को भी 10 क्वेश्चन कराए, 11 से 20। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30, फिर कल हम करेंगे 31 to 40, फिर हम करेंगे 41 to 50। ऐसे करते करते अगले 100 दिनों में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस कर लेंगे एंड ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो चलो आज के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला गया? अ कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल वेसल है कुछ इस तरह का, जिसका रेडियस 12 है, जिसका रेडियस 12 है और हाइट 16 है। अब बोला गया इसके अंदर एक स्फीयर डाला गया इस तरीके से जो सारी साइड्स को टच कर रहा है और वो जस्ट इमर्ज हुआ, यानी कि कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस बताना। अब आप इस क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लो क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये समझाऊंगा कि कैसे करना है। इसका रेडियस बताना आपको, ठीक है? बिकॉज थोड़ा सा डाटा ज्यादा लगेगा। मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा इस क्वेश्चन। तो पहली अप्रोच देखते हैं। पहली अप्रोच क्या है जो बहुत बच्चे डिटेल्ड अप्रोच करते हैं, वो कैसे करते हैं देखो। आपको बोला गया ये कॉनिकल वेसल, ये कॉनिकल वेसल, इसके अंदर बॉल डाली गई, यह एक स्फीयर है बेसिकली, अब वो कुछ इस तरीके से। अब देखो मैं बताता हूं कैसे बच्चे इसको करते, ठीक है? मैं आपको दो अप्रोचेस सिखाऊंगा इस क्वेश्चन की। अब देखो मान लो ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, जहां पर ये सर्कल टच कर रहा होगा इसे ए डी, स्फीयर का सेंटर ई। अब कई लोग इसे 3D फॉर्म में करते हैं। कैसे 3D फॉर्म में करते हैं देखो, ये आपको बताया 90 डिग्री, ये आपको बताया 90 डिग्री। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AC जो है हाइट कोन की 16 सेंटीमीटर, आपको BC रेडियस दिया हुआ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। अगर आप पाइथागोरस का यूज करोगे तो AB भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, क्योंकि ये एक स्फीयर है तो बेसिकली यहां टच करोगे 90 डिग्री। तो अगर आप देखो ट्रायंगल ADE सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ACB। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने AB तो ऑलरेडी निकाल लिया था, ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि एंगल एक कॉमन है, एक 90 डिग्री। अब यहां से अगर मैं बोलता हूं AE, तो यहां से हम लिख सकते हैं AE upon AB इज इक्वल टू DE upon CB। अब AE क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरी हाइट थी 60, ये स्फीयर का रेडियस है R, ये स्फीयर का रेडियस है, तो हम ये बोल सकते हैं AE कितना होगा, 16 minus R upon AB जो कि 20 इज इक्वल टू DE कितना जो कि R है अपॉन BC जो कि कितना 12। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे 4 के टेबल में 5, 4 के टेबल में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 48 minus 3R इज इक्वल टू 5R, तो यहां से आप R की वैल्यू निकालोगे दैट वुड बी 6। सो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो हमसे यही पूछा गया था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो इसका आंसर है 6। बट क्योंकि आप मेरी क्लास कर रहे हो तो कुछ तो स्पेशल सीखना जरूरी है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं वो समझाता हूं आपको।
मैं इस क्वेश्चन को एज अ 2D फिगर लेता हूं, एज अ 2D फिगर लेता हूं, और अगर आप इस फिगर को देखो, इस फिगर को ऐसे ना देखकर अगर आप इस फिगर को 2D फिगर देखोगे तो कुछ इस तरह की फिगर दिखाई देगी, एक ट्रायंगल की फॉर्म, जिसका ये, क्योंकि ये 12 है तो ये पूरा 24 हो जाएगा, तो एक साइड 24, ये 16 है हाइट, ये इसकी हाइट 16 है, इसकी हाइट 16 है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये निकाला था तो ये 20। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके अंदर आपने एक स्फीयर रखा, उसका आपको रेडियस बताना, उसका आपको रेडियस बताना बेसिकली, सबसे बड़ा स्फीयर। तो आपको पता है सर्कल का इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो ये भी 20, ये भी 20, 24 प्लस 20 प्लस 20 बाय 2, सो दैट इज व्हाट 32। बस इसको सॉल्व करना, सो दैट इज व्हाट 6। तो कैसी लगी ये अप्रोच, समझ आया? इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, सेम क्वेश्चन बट थोड़ा अलग तरीके से करा गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, क्योंकि इसी पर बेस्ड तीन क्वेश्चन पूछे गए। हाउ मच वॉटर विल रिमेन इन द वेसल आफ्टर द ओवरफ्लो। जब एक कॉनिकल वेसल था, आपने स्फेरिकल बॉल डाली है, तो कितना पानी वो कह रहा है वेसल में रहेगा। तो पहले तो आप कैलकुलेट करो जो कोन की वॉल्यूम है, 1/3 πr²h, ये कोन की वॉल्यूम। जो स्फेरिकल बॉल है, जब वो आपने डाली तो उतना पानी उसमें से निकल जाएगा, 4/3 πr³। सो पाई कॉमन ले लेते, बाय थ्री कॉमन, आर स्क्वायर, कोन का जो रेडियस था दैट इज 12 स्क्वायर, हाइट थी 16, माइनस यहां पर 4 है और रेडियस जो था स्फीयर का वो हमने 6 निकाला, 6 क्यूब। सो दिस इज π/3। अब अगर मैं इसको यहां सॉल्व ही कर दूं एक बार, वैसे तो अगर आप देखो, क्योंकि ये 12 × 12 144 होता है, 6 का स्क्वायर इंटू 4 भी 144 होता, तो मैंने 144 बाहर ले लिया, यानी कि 12 स्क्वायर बाहर ले लिया, तो यहां तो बचेगा 16, यहां 4 × 6² 144, माइनस 6। सो π/3 × 144 × 10, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो सो दैट इज 480 πmL। ये क्वेश्चन था कि कितना पानी बचेगा, तो ये ध्यान रखना, वो ये भी पूछ सकता है बचेगा कितना, कितना बाहर निकला होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो वेसल तो हमारा कॉनिकल वेसल, अब कॉनिकल वेसल का लैटरल सरफेस एरिया यानी कि πr² टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², तो πr कितना था उसका 12, एल कितना था 20, अपॉन 4 × π × r, r था 6 6, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल करा ये 2, ये यहां से कैंसिल 5, ये यहां से कैंसिल 3, सो आंसर इज 5/3। इज इट क्लियर टू ऑल? वीडियो को पॉज करा करो एंड देन ट्राई दैट क्वेश्चन, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार मैसेज करते हैं, सर SSC mains, ये सारे क्वेश्चन आपको SSC mains में बहुत हेल्प करेंगे। CDS का 80-85% पेपर, 80-85% क्वेश्चंस आपको SSC mains में हेल्प करेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, तो वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करके देखो। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ L ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल 90° एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 90° का एंगल बना रही। अब इस कॉर्ड के बारे में हमें कुछ बताया गया है, वो ये बताया गया कि इस कॉर्ड की लेंथ है L, मान लो ये पॉइंट O है, एंगल बन रहा है 90°। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे कैलकुलेट? अब आप सबसे पहले देखो, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है माइनर सेगमेंट का, तो मुझे करना क्या, ये जो सेक्टर है इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना। अब आप देखो, एक तो तरीका ये है कि आपको ये L दिया हो,
अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, अगर हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है और एक एंगल उसका 45 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये दोनों बराबर होंगे, रेडियस रेडियस, तो 45 डिग्री 45 डिग्री, तो एक फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया, ठीक है, अगर वो आपको पता है तो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, तो आप उसको जरूर नोट कर लो, मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बाय फोर, एच स्क्वायर बाय फोर, अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता कोई बात नहीं, तो भी सॉल्व कर ले, कैसे देखो, आपको ये पता है ये एल है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो आप ये पता लगा लो, दिस इज एल बाय रूट टू, दिस इज ऑल्सो एल बाय रूट टू। अब अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब आपको होता है सेक्टर की जब बात करें, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, सो 90 डिग्री यानी कि 1/4 सर्कल, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना, एल बाय रूट का स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू एल बाय रूट टू इंटू एल बाय रूट। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करते हो तो देखो ये वैल्यू आ कितनी है, इसको अगर सॉल्व करें तो पाई पाई एल स्क्वायर बाय 8 माइनस एल स्क्वायर बाय 4, सो अगर एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन लिया सो व्हाट विल बी लेफ्ट, पाई बाय 2 माइनस 1, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपके बेसिक्स क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, बहुत सिंपल है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट मिलाकर एरिया ऑफ सर्कल होता है, तो अगर मेरे को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सर्कल के एरिया में से, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब सर्कल का एरिया भी आपको पता ही है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना था, एल बाय रूट पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं बिकॉज हमने माइनर सेगमेंट का एरिया ऑलरेडी निकाला हुआ, एल स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 2, तो पाई एल स्क्वायर बाय 8 लिख रहा हूं, पाई एल स्क्वायर बाय 8, यहां पर मैं लिख रहा हूं पाई एल स्क्वायर बाय 8 पाई एल स्क्वायर बाय 8 माइनस में क्या था, एल स्क्वायर बाय 4, सो यहां पर माइनस एल स्क्वायर बाय 4। अब अगर इसे सॉल्व करा जाए तो ये पाई एल स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई एल स्क्वायर बाय 8 प्लस एल स्क्वायर बाय 4, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे सो ये 3 पाई एल स्क्वायर बाय 8 प्लस एल स्क्वायर बाय 4। अब ऑप्शन में देख सकते हो कहां पे बन रहा है, वरना अगर आप एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन लोगे, एल स्क्वायर बाय 4, तो अगर 3 पाई बाय 2 प्लस 1, सो आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आया, कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, खुद करो औरों को शेयर भी करो, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स, इतने क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराएगा, अभी आप देखोगे कहीं पर भी आपको 2022 सीडीज के पेपर के सॉल्यूशंस ही मिलेंगे, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इतने डिटेल ऑप्शन से, डिटेल्ड अप्रोच, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। इस क्वेश्चन को देखो, अगेन इस क्वेश्चन को भी मैं दो अप्रोच से बताऊंगा, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी,
ये राइट एंगल है ए पर। अब क्या बोला गया, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी। अगर बीडी की वैल्यू 7.5 है और डीसी की वैल्यू 10 है तो एडी की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो अप्रोचेस बता रहा हूं। पहली अप्रोच ये है कि मान लो आपको कुछ नहीं पता तो आप कैसे करोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 है ये थीटा हो जाएगा। अब आप देखो हमें एडी की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं ध्यान से देखू ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ए, ए एंगल है 90 माइनस थीटा, डी 90 और थीटा, ठीक है, बी 90 माइनस थीटा, डी 90 एंड देन थीटा। अब यहां से आप देखो ए डी, अगर मैं यहां से ए डी लेता हूं बिकॉज एंगल सेम, यहां से ए डी लिया तो यहां बी डी, बी डी इज 7.5, यहां से सी डी जो कि 10 अपॉन ए डी, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल 75, सो ए डी इज इक्वल व्हाट 5√3। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, मतलब ये तो एक एक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अब मैं इसके एक शॉर्टकट भी आपको बताता हूं, तो प्लीज नोट डाउन दिस, ये शॉर्टकट आपको बताना चाहिए। कभी भी आपको बोला गया कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल है डी, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा डी, तो ये ध्यान रखना एक शॉर्टकट होता है, प्लीज नोट डाउन दिस, एडी का स्क्वायर इज इक्वल बी डी इंटू सी डी, इसको जरूर नोट करना। तो जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, अगर आपको ये शॉर्टकट पता होता तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते थे। इन प्रीवियस एग्जाम्पल अगर आप देखो, प्रीवियस एग्जाम्पल में एडी का स्क्वायर इज इक्वल बी डी इंटू सी डी, बी डी कितना था 7.5 और सी डी कितना था 10, तो 7.5 इंटू 10, अगर किसी को ये पता होता डायरेक्टली 75 लिखता, अगले स्टेप में उसका आंसर डायरेक्टली आ जाता, यानी कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो 10 सेकंड में करके निकल लेता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन दिस। बट एक कब लगेगा ये ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ए पे 90 डिग्री और ए से हमने परपेंडिकुलर डाला है बीसी पर, तब ये शॉर्टकट लगे। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते, सारे लोग पढ़ो और इसे ट्राई करो। अगेन मैं आपको इस क्वेश्चन के दो अप्रोचेस बताऊंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, अब परपेंडिकुलर डाला है एडी बीसी पे, डीबी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ सीडी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मान लो मेरे पेपर में क्वेश्चन आता और मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा इस तरह के क्वेश्चन को, कैसे करूंगा? देखो फर्स्ट अप्रोच, मान लो कुछ नहीं आता तो क्या करेंगे, उसने बोला डीबी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ सीडी, अगर सीडी 1 है तो बीडी 3 हो जाएगा, अब ये 1 है ये 3 है, ये 1 है ये 3, ये 1 है ये 3, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट, मान लो ये डाटा हमें दिया हो तो हमने ये डाटा ले लिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मुझे कुछ नहीं आता तो मैं ये तो बोल सकता हूं, ये तो यहां पर बोल सकता हूं कि ए बी स्क्वायर, ए बी डी में पाइथागोरस लगाओगे तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, ऐसे ए डी सी में पाइथागोरस लगाओगे तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अब आप देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी इंटू ए बी माइनस ए सी, अब सारे आंसर बी सी स्क्वायर की टर्म्स है, बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है 4, तो 8 को आप लिख सकते हो ना 16/2 और 16 क्या है बी सी का स्क्वायर बाय 2, तो वो 2 उधर चला जाएगा, सो जब 2 उधर चला जाएगा तो आंसर इज व्हाट ए ऑप्शन, इसे कहते हैं वैल्यू अप्रोच, इसे कहते हैं वैल्यू अप्रोच। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप वैल्यू नहीं पुट करते तो कैसे सॉल्व करते, तो वैल्यू अप्रोच है उससे आंसर फटाफट मार्क कर ले। अब देखो एक और अप्रोच बता रहा हूं जो कि डिटेल्ड अप्रोच है इस क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इससे इस पर पेंडिकुलर डाला था और हमें बोला गया था
कि बीडी जो है सीडी का 3 times, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि बीडी जो है सीडी का 3 times। अब आप देखो, सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं एबीडी ट्रायंगल, तो मैं बोल सकता हूं एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, पहली इक्वेशन। एडीसी ट्रायंगल में यूज करता हूं तो बोल सकता हूं एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को माइनस करा। क्यों माइनस करा? क्योंकि क्वेश्चन में एबी प्लस एसी और एबी माइनस एसी ऑप्शंस में, सो बीडी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, अभी हो गया एबी प्लस एसी इंटू एबी माइनस एसी, ये हो गया बीडी प्लस सीडी और ये हो गया बीडी माइनस सीडी। अब आप देखो बीडी प्लस सीडी तो बन जाएगा बीसी, बीडी माइनस सीडी को देखते, बीडी माइनस सीडी को देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि बीडी इज इक्वल टू 3CD है, ठीक है। अब मुझे इन्हें अगर बीसी की टर्म्स में लिखना, इनको बीसी की टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो बीडी किसके बराबर, 3 times ऑफ सीडी, तो मैं बोल सकता हूं अगर सीडी 1 unit था तो बीडी 3 unit था, टोटल बीसी 4 unit था, तो बीडी की जो वैल्यू है दैट इज, बीडी की जो वैल्यू 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ बीसी और सीडी की जो वैल्यू 1/4 ऑफ बीसी, तो यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा बीसी स्क्वायर बाय 2, तो वो 2 उधर चला जाएगा, सो 2 टाइम्स ऑफ एबी प्लस एसी इनटू एबी माइनस एसी इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। समझ आई बात? कैसा लगा अप्रोच? सारे क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस, तो अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ध्यान रखना, नॉलेज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है, कम नहीं होती, सो प्लीज शेयर द सेशन। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल डैट सी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल डैट सी, तो ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते, बोला ए सी जो है रूट 3 times ऑफ बी सी, अगर बी सी वन है तो ए सी जो है रूट 3 है। अब कह रहा व्हाट इज एंगल ए बी सी, ये बताना है, मान लो ये एंगल थीटा है, मैं से बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस दिया हुआ, तो टैन थीटा ले लेते हैं सबसे बढ़िया, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टैन थीटा रूट 3, सो थीटा इज व्हाट 60। ये तो बोनस क्वेश्चन था, सबका सही होना चाहिए, समझ आ गया सबको? चलो देखो अगला क्वेश्चन, करो इसे ट्राई, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, ठीक है, और जब ना हो तो सॉल्यूशन देखा करो। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए जो दिया हुआ है दैट इज 60 degree, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ये 60 degree। अब देखो ये पूछा जा रहा है, तो जैसे आपको ये पूछा जा रहा है तो एक चीज देखते ही समझ आनी चाहिए, जिन्होंने ज्योमेट्री ढंग से पढ़ी होगी, जब मैंने पढ़ाई है तो आपको कोसाइन रूल बताया था, कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस ए, कॉस ए, ए के ऑपोजिट जो साइड है वो सब्ट्रैक्ट होगी, बाकी दोनों के स्क्वायर्स ऐड होंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2ABAC, 2 times ऑफ ए बी ए सी। अब ये डायरेक्ट कोसाइन रूल है, जिनको पता है उनके लिए विद इन कुछ सेकेंड्स का क्वेश्चन है, अदरवाइज टाइम ज्यादा लग सकता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 times ऑफ ए बी इंटू ए सी। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो मैं कॉस 60 की जगह डायरेक्टली हाफ लिख रहा हूँ, यहाँ हाफ लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज ए बी इंटू ए सी, आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आया सबको? चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे लोग ट्राई करो, बट फंस सकते हो क्योंकि ऑप्शंस बहुत अच्छे से बनाई गई, करो ट्राई। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर मेड ऑफ कॉपर इज 3 centimeter, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 3 centimeter, उस स्फीयर को मेल्ट करा गया और एक वायर बनाई। अब आपको पता होना चाहिए वायर हमेशा सिलेंड्रिकल होती है शेप, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1/2 meter। अब देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ये चीजों पर ध्यान दिया करो, यूनिट्स यहाँ मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी ध्यान दिया करो डायमीटर, पूछ भी क्या रहा है डायमीटर, ठीक है। अब आप देखो जब एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाते हो तो उनकी वॉल्यूम सेम होती है, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³, ठीक है, तो
स्फेयर का रेडियस में कैपिटल आर ले लेता हूं, और सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, सो 4/3 आर क्यूब, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 3/2, 3/2, 3/2। अब उसकी लेंथ है हाफ मीटर, हाफ मीटर होता है 50 सेंटीमीटर, तो एस तो हो गया 50 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें बताना। अब यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, सो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3, और 2 इंटू 50 इज़ 100, दैट इज 10 स्क्वायर, सो आर की वैल्यू इज व्हाट 3/10, और 3/10 कितना होता है 0.3। अब जल्दबाजी में बच्चे 0.3 मार्क करके निकल जाएंगे, पर उसमें डायमीटर पूछा है, तो आंसर है 0.6 सेंटीमीटर। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। बट अगर आपको हमारे पेड बैचेस के बारे में पता करना है, और आपको पेड बैचेस के बारे में डिटेल में जानना है, आप सोचो जब हम फ्री में इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो पेड में क्या करते होंगे, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, यहां पर आपको पढ़ाया नहीं जा रहा पूरा टॉपिक, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आपको पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं डिटेल में टॉपिक वाइज, देन यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैचेस। तो काउंसलर से टच में आने के लिए ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो 8585858585, दे विल गाइड यू। और एक कोड जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज UDM10, ये कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ली तो उस कैटेगरी में जितने एग्जाम्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे, कोड इज UDM10। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस लिंक को ज्वाइन करो, यहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक्स टू ऑल, और एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।